नमस्कार दोस्तों, ऑन टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने रियलमी 5 प्रो के बारे में। रियलमी 5 प्रो में 5 जुलाई में एक अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट होगा चाइना के अंदर। तो गाइस, क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलता है मैं ऑफिशियली फीचर बताऊंगा, और इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा ये आपको वीडियो में आपको बताने वाला। तो गाइस, किधर भी स्किप मत करना। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अपने इंडिया में जो वर्जन बन के आएगा तो 3.05 वर्जन बन के आएगा, और चाइना की वर्जन की बात करें तो 3.06 वर्जन है। तो गाइस, ये अपडेट कल रात से मतलब चाइना के अंदर रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया है, और इंडिया में कब तक देखने के लिए मिलेगा ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं फीचर के बारे में। तो फीचर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा रियलमी एक्स और 3 प्रो में जैसा फीचर था वैसे फीचर देखने को मिलेगा। तो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा। तो गाइस पहले फीचर की बात करते हैं। तो फीचर पहले आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा रियलमी लिंक ऐप। या आपको पता होगा कोई भी आपके पास रियलमी बड्स या वॉच होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो ये ऐप के इस मतलब ऐप के हिसाब से। तो गाइस, आपके पास नहीं होगा तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आप ख़रीद भी लिए बाद में तो आप वापस प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है अभी तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाता है एडिट रिकॉर्डिंग टू टेक्स्ट फंक्शन। मतलब कुछ आप रिकॉर्ड करोगे तो उसको आप टेक्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि कुछ भी आप रिकॉर्ड किए तो उसमें कोई भी कुछ बोल रहा होगा तो उसको आप टेक्स्ट फंक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट फंक्शन मतलब टेक्स्ट में ला सकते हो। तो गाइस, ये भी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। और गाइस, ये थर्ड फीचर की बात करते हैं मेमो। ये मेरे को गाइस ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा है ये कौन सा फीचर है। ये दो फीचर मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा है, और इंडिया में आएगा तो इंडिया में देखो क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, ये दोनों फीचर मेरे को देखने को मतलब समझ नहीं आ रहा क्या फीचर है। और गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर में कुछ इंटरटेक विद कॉन्टैक्ट इन कैलेंडर कुछ किया गया ऐड। तो गाइस, ये ज़्यादा कुछ मेरे को इसमें भी नहीं मालूम चल रहा है। और सेकेंड है ऑप्टोमाइज UI लेआउट, मतलब कैलेंडर का ऑप्टोमाइज किया है लेआउट, तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा कैलेंडर अभी ये अपडेट के बाद। और गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो रियलमी लैब में ऐड किया गया है। तो रियलमी लैब में आपको दो फीचर ऐड कर दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सुपर पावर स्टैंडर एट नाइट, और एक और फीचर है स्मूथ स्पीड स्लाइड स्क्रीन फंक्शन। तो गाइस, ये दो फीचर के बारे में आपको मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आपको लोगों को पता ही चल गया होगा। तो भी गाइस, आपको नहीं पता है तो आई बटन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख लेना ये दोनों फीचर के बारे में। तो गाइस, दोनों बहुत अच्छा फीचर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाला फीचर आपको बैटरी बहुत सेव करेगा, और सेकंड वाला फीचर आपकी स्क्रीन को बहुत स्मूथ कर देगा। तो गाइस, ये दोनों फीचर अभी तक आप नहीं देखा तो प्राइवेट बटन में दे देता हूँ लिंक, वहाँ से आप देख लेना। तो गाइस, नेक्स्ट फीचर आपको गेम स्पेस में देखने को मिल जाएगा। तो गेम स्पेस में आपको बुलेट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो पहला वाला जो ऑप्शन है बायरिंग मैसेज, ये बुलेट नोटिफिकेशन ऑप्शन है। तो गाइस, ये अभी चाइना में रिलीज़ हुआ है, इंडिया में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा फीचर ये। और गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो कुछ आप ब्लॉक कर रहे थे मतलब नोटिफिकेशन, और तो कुछ इशू आ रहा था कॉलिंग इशू में, और मतलब टेक नहीं हो पा रहा था और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो गाइस, उसको फिक्स कर दिया गया है। और जैसे कि आप गेम्स पर इंस्टॉल कर रहे थे तो कुछ इशू आ रहा था फ़ोन में और गेमिंग खेलते थे हमें, तो गाइस उसको भी फिक्स कर दिया गया। अभी आप गेम स्पेस को इंस्टॉल कर दोगे तो कोई भी इशू नहीं आएगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक और फीचर मतलब फीचर नहीं ऑप्टोमाइज कर दिया गया, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को और ऑप्टोमाइज कर दिया कि आपको और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो गाइस, ये भी अच्छी बात देखने को मिलेगी आपको अपडेट में। और गाइस, सिस्टम में बहुत सारे बग्स है उसको फिक्स किया गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। तो गाइस, मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, आप देख लो, आपको पॉज करके देख लो आपको जो जो पढ़ना है। तो लेकिन थोड़ा बहुत आपको बग्स ये चाइना का बक्स है तो इंडिया का बक्स सबको अलग देखने को मिलेगा। गाइस, ये पूरा देखो आप, इसमें चाइनीज़ में पूरा दिया गया है, तो गाइस आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चाइनीज़ में नहीं दिया मतलब इंग्लिश में दिया, लेकिन चाइनीज़ का बक्स है तो चाइनीज़ वाला ही इसमें बताया गया, तो इंडिया का अलग बक्स फिक्स आएगा। तो गाइस, इसमें ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो भी आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ में। तो गाइस, ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब रिटर्न पैर सर्चिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो गाइस उसको फिक्स कर दिया गया। मतलब सर्चिंग करते तो कोई डिवाइस फाउंड नहीं होता है, मतलब जैसे क्या कोई भी फ्रेंड के साथ आप डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हो तो उसकी डिवाइस फाउंड नहीं हो रही थी, तो गाइस उसको फिक्स कर दिया गया। तो गाइस, ये भी अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। और गाइस, इंफॉर्मेशन में कुछ किया है मतलब एडिंग कुछ
ऑडियो का क्वालिटी कम हो जा रहा था तो उसको मतलब फिक्स कर दिया गया, तो अच्छा फीचर मतलब ऑडियो आपको अच्छा देखने को मिले। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट में देखने को मिल जाता है। तो क्या जैसे कि आप लोग के बहुत सारे डिवाइस में होता है कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद वो फेयर बता देता है, तो क्या उसको भी फिक्स कर दिया गया, तो अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और इंटरनेट में कुछ फिक्स किया गया, मतलब कोई नेटवर्क इशू आ रहा था तो उसको फिक्स कर दिया कि आपको इंटरनेट स्पीड अच्छा देखने को मिले। और गैस नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें कुछ जंपर ड्यूरिंग चार्जिंग का इशू आ रहा था, तो गैस इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा है, तो भी आपको बैटरी के इशू में मतलब चार्जिंग के टाइम कुछ इशू आ रहा था उसको फिक्स कर दिया गया, तो आपको अच्छा फीचर देखने मतलब अच्छा बैटरी चले, मतलब जैसे कि स्लो चार्जिंग का बहुत सारे को ऑप्शन मतलब ये रहता है कि स्लो चार्जिंग हो रहा है, तो गाइस वही सब कुछ हो सकता है। और लास्ट फीचर की बात करें, सेफ्टी के लिए आपको दे दिया गया है जुलाई महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, मतलब 5 जुलाई 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। तो गाइस ये सारे अपडेट मतलब चाइना के अंदर रोलिंग आउट स्टार्ट हुए हैं, तो गाइस ये सारा अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हो गया चाइना के अंदर। और इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, तो इंडिया में आपको 1 से 2 वीक में देखने को मिल जाएगा, तो भी आपको 31st तक तो रुकना ही पड़ेगा कि ये अंत हो जाएगा 31st को, मतलब ये मंथ, तो 31st तक रुकना पड़ेगा, 31st तक तक भी आ सकता है क्योंकि रियलमी इंडिया कभी भी लास्ट में अपडेट प्रोवाइड करता है हर रियलमी डिवाइस को। तो गाइस ये सारे फीचर थे और ये इंडिया में आएंगे कन्वर्ट होकर, मतलब ज़्यादा फीचर सेम ही रहता है चाइना और इंडिया का, तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिलेगा इंडिया अपडेट में और 1 हफ्ते में आ जाएगा ये फीचर, ये सारे फीचर 1 से 2 हफ्ते में। तो गाइस इतने थे वीडियो में, और कुछ अपडेट वोडेट आएगा तो वीडियो बना के दे दूंगा, तो गाइस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और गाइस लाइक एंड कमेंट कर देना। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए चैन वंदे मातरम।